नमस्कार साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड पे, जिसका कि शेयर प्राइस 154 रुपया है। उससे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्मदिवस है। तो चलते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र एपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका कि मार्केट कैप 218 करोड़ का है, बहुत छोटी सी कंपनी है। स्टॉक की 0.61 का काफ़ी अच्छा है मेरे आइडिया अनुसार। ROC 120% और ROE 119%, बुक वैल्यू 326 रुपये और करेंट प्राइस 154 रुपये पर चल रहा है। 52 वीक का हाई लो 218 रुपया और 105 रुपया। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ भी डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी। फेस वैल्यू 10 रुपये का, तो डिविडेंड पे नहीं कर रही है। इसका मतलब कुछ लोगों का सोच होता है कि ये खराबी है इसमें, बट डिविडेंड पेड नहीं करने का मतलब है कि इस कंपनी को ये पता है कि इसका रुपया कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि कंपनी को कैसे बढ़ाया जाए। बैलेंस शीट के मामले में भी देख सकते हैं, मार्च 2024 के अनुसार इक्विटी कैपिटल मात्र 14 करोड़ का है, जबकि रिजर्व इसके पास में 447 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा है। और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि 519 करोड़ का हो चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टर के मामले में भी ये स्टॉक स्ट्रांग है, क्योंकि प्रमोटर के पास में 62.54% है और पब्लिक के पास में 37.46% है। एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। अभी भी इस स्टॉक के प्रति ज़्यादा इन्वेस्टरों का रुझान नहीं बढ़ा है, कारण कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देख सकते हैं सितंबर 2024 के अनुसार 12,835 ही है, न के बराबर है मेरे समझदारी के अनुसार। वाली बात, NSEIndia.com पे इसका शेयर प्राइस 153.20 रुपये चल रही है और डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, बट BSEIndia.com पे देख सकते हैं इसका शेयर प्राइस 153.10 रुपये है और यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज जो है 100% है इस स्टॉक में। 4 नवंबर 2024 का लास्ट 1600 बजे का अपडेट है, तो काफ़ी अच्छा है इस स्टॉक के लिए। लेटेस्ट अपडेट न्यूज जो कि 29 अक्टूबर 2024 का है इस स्टॉक का, इसमें बताया गया है जैसा कि 13 नवंबर 2024 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग होने वाली है और इसमें क्या क्या हो सकता है। तो 30 सितंबर 2024 को जो क्वार्टरली समाप्त हुआ है, यानी कि सेकेंड क्वार्टर समाप्त हुआ है, तो उसी से संबंधित रिजल्ट भी घोषित हो सकता है। घोषित क्या हो सकता है, रिजल्ट आएगी मेरे समझदारी के अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। तो काफ़ी अच्छा अपडेट न्यूज है ऐसे स्टॉक के लिए, ऐसे टाइम में जबकि स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा हो, यानी कि डाउन ट्रेंड पकड़ा हुआ हो, और वैसे टाइम में इतनी स्ट्रांग कंपनी अपना रिजल्ट घोषित करने वाली है मात्र कुछ ही दिनों में, जो कि डेट है 13 नवंबर 2024। स्टॉक में सबसे खराबी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ESM स्टेज वन, यानी कि सेबी के निगरानी में जा चुकी है ये कंपनी, ऐसा ही समझने लायक है, ये समझ सकते हैं कि हाँ सेबी इसको ऑब्जर्व कर रही है अब, यानी कि जांच कर रही है, ऐसा भी समझ सकते हैं। बाकी समझने के लिए तो अपना अपना समझदारी बहुत है, बट मेरे समझदारी के अनुसार
और इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है तो ये ESM स्टेज वन से निकलने के बाद में ही पता चलेगा, यानी कि ESM लिस्ट से बाहर निकलेगा तो इस स्टॉक में हो सकता है कि ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल जाए। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मेरे साथ इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए स्टॉक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।